नारायण के बारे में बताइए। देखिए, लालच नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा मजबूत केस बनाइएगा हमारे पति के खिलाफ कि एलिमनी देते ही दम निकल जाए ससुर का। देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। जब तक आप शादीशुदा हैं, आपको एलिमनी नहीं मिल सकता है। हाँ, तो कम से कम 2 रात लाकर ठूसिए ना लॉकअप में। देखिए, पर्सनल लेवल पे बात करें तो हमको भी बड़ा मजा सा आ जाएगा ऐसा करने में, लेकिन जब तक हम इस केस का रूपरेखा नहीं समझ लेते हैं, आपके बुलबुल जी का एक बालिया बयान नहीं ले लेते हैं, तब तक हम इस बात का गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए फिलहाल आप यहाँ साइन कीजिए। अरे कोई है थाना में? अरे हमको बुला के कहाँ मर गए सबके सब? साइलेंस पढ़ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। काहे को बुलाया हमें यहाँ पे? सर, इस वक्त आप यहाँ पे एक आम नागरिक की हैसियत से आए हैं। एक वाइफ जिसने अपने पति के खिलाफ मानसिक दुराचार, मेंटल टॉर्चर का केस फाइल किया है। हमने उस पति को थाने तलब किया है। क्या आपका भार किसी के साथ अनैतिक संबंध है? आप किसी के पीछे पड़े हैं, किसी के पीछे घूम रहे हैं? अब इनका कैसा बताऊं कि हसीना मलिक का पीछा कर रहा था ससुरा। क्या आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी पत्नी ने आप पर जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद है? सब बेबुनियाद है, सरासर आरोप है, झूठे आरोप है मुझ पे। एक्सक्यूज मी मैडम, आम आदमी, एक्सक्यूज मी। सॉरी सर। मैडम सी दिस वीडियो। क्या है वीडियो में? अरे हाँ, आपका ही है। देखो आप हीरो हो। देखो हाँ, अगर ये नाडन सर के पीछे लगा है तो किसी भी तरह इसे इस केस में उलझाकर जेल भेजना ही ठीक होगा, वरना उर्मिला को मैडम से समझकर ये हसीना मैडम को बदनाम कर देगा। कुछ तो करना होगा। अरे भाभी जी, आई लागू आइए, ये देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ इनका। कुछ भी नहीं है वीडियो में, क्या करना करना वीडियो दिखा हमारा बीवी को। बुलबुल पांडे सर, आपके पत्नी के नामजद रिपोर्ट के आधार पर हम आपको जेल में डालते हैं। चार्जशीट बनने तक, कल कोर्ट में पेशी होने तक आपको जेल में ही रखा जाएगा। लॉकअप में डालेंगे हमें। अभी DSP साहब को फोन लगाते हैं। अब जो भी होगा ससुरा DSP साहब के सामने ही होगा। इस थाना को बंद होने से कौन रोकता है हम देखते हैं, देखते हैं। हमको कोई बंद कर नहीं सकता, हम खुद बंद होंगे। अब एक समस्या हो ना तो बताएं मैडम, यहाँ पर तो दिक्कत ही दिक्कत है हमें इस आदमी से। अब चाय में टी बैग की जगह ये बाबा जी का ताबीज मिला कर देते हैं हमें, और बर्तन पे तो इतनी चिकनाई जमी होती है, इतने गंदे बर्तन धोते हैं ये। बस कर अब कितना उछालिएगा, हमारी इज्जत इन सब के सामने काफी है। अरे तुम चुप रहो। देखिए मैडम, ये सारे काम ना हम काम वाली के पास से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर ये पति किस काम के? कैसी औरत है ये, अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही है कि अपने काम वाली के खिलाफ? काहे का हुआ? अब का हुआ? अरे अपने पति से घर के सारे काम करवाती है, फिर भी उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है। और वो धनलक्ष्मी, वो जो है ना, उसके पति के बारे में हमने पूरी जानकारी निकाली है। इतना अच्छा आदर्श संस्कारी लड़का है, फिर भी ये लड़की उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है। बताइए, आजकल नहीं मिलते ऐसे आदर्श लड़के। सही कहा है किसी ने, अच्छे लड़कों को ना ऐसी लड़कियां मिलती है। कैसी? ऐसी। वही हमने पूछा पुष्पा जी, कैसी? अब लड़ो। ऐसी जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती, जो उसकी कदर नहीं करती, जो उससे प्यार नहीं करती। 1 पॉइंट। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लल्ला से प्यार नहीं करते। बताइए, पूछ रही, लल्ला से प्यार नहीं करते। अगर करती होती ना तो आज तक हम दादी नहीं बन गए होते। 2 पॉइंट। ये दोनों सास बहू है क्या? अफसोस से। एक तरफा प्यार से नहीं होता है संतान, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है प्रेम के खाद पानी का, तब जाके अंकुर फूटता है संतान का। और वो क्या नाम है उसका, धनलक्ष्मी का पति जो है, वो इतना ही शरीफ है तो पिन नंबर काहे छुपा रहा है? अरे क्या रे महतारी आइटम, तुम लोग समझते नहीं हो क्या, एक प्राइवेसी नाम का एक चीज होता है ना, इसके लिए तो आजकल शादी के बाद पति पत्नी में प्यार ही नहीं बचता है। पुष्पा जी क्या नाम है उनका, धनलक्ष्मी, उनके पति को बुलाइए, उनसे बतियाना है हमको। किस बिना पर उसको लेकर आएंगे? अब अपने पत्नी को पिन नहीं देना, ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? अरे तुम लोग कैसे पुलिस वाले बना रहे? रुको, मैं तुम लोग को सिंपलीफाई करके देती है। 100 बात की एक बात, पति अगर अपनी पत्नी से कुछ भी छुपा रहा है इसका मतलब उसमें गोची है। अगर वो अपने मोबाइल फोन का पिन नहीं दे रहा है इसका मतलब नक्की उसके फोन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जिससे उसकी वाट लग सकती है। उसको बुलाओ, इधर कान के नीचे दो बजाओ, सब सच निकालेगा। क्या रे, है ना एकदम झिंगाट आइडिया तेरी हसीन दिलरुबा के जैसा। मैडम सर पर उर्मिला का कंट्रोल जरूर है, पर उर्मिला पर भी मैडम सर का असर दिखाई दे रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह माँ गजब, माँ एक पत्थर कम पड़ रहा है तो इसको ले लो, काला पत्थर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम यहाँ टेंशन से मरे जा रहे हैं और आप बच्चों वाला गेम खेल रही हैं, गिट्टी खेल रही हैं आप। हाँ, पता नहीं क्या मुसीबत आ गया हमारे थाने पे, कौन से घटिया ग्रह चल रहे हैं जो टलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम एक केस को तरस रहे थे, अब 2 केस एक साथ आ गए हैं, वो भी तब जब स्टाफ के नाम पे सिर्फ 2 लोग ड्यूटी कर रहे हैं। माँ कसम मैडम, अगर हम पुलिस में होते ना तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते जैसे अभी है। वैसे मैडम एक बात बताएं, धंधे में कुछ भी मजा नहीं है मैडम। हाँ चलो ही मैडम, कोई काम हमारे लिए तो बताइए, बिल्कुल खाली बैठे हुए। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। काम है मतलब काहे हमारे काम नहीं आ सकते हो? हाँ। मतलब कानून की सेवा करने के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। देखो ये बिल्लू एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। तो देखो केस जो आए हैं वो 2 आए हैं, तो ग्रुप भी 2 होने चाहिए। हाँ, है ना? तो एक ग्रुप में होंगे पुष्पा जी और आप दोनों, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं पुष्पा जी देखिए काम बड़ा मुश्किल में, कोई नहीं ले रहा है इनको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपका जो ग्रुप है वो धनलक्ष्मी और नारायण का केस सॉल्व करेगा और हम और बिल्ले हो गए एक टीम और हम सुलटाएंगे इस बुलबुल पांडे। ठीक है, मगर हमें करना क्या है? देखिए धनलक्ष्मी और नारायण का केस क्या है कि पत्नी पति पर शक करती है, वो पिन नंबर नहीं देता है तो उनको लगता है कि बाहर उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। राइट 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 राइट। हाँ, तो याद है उर्मिला ने क्या कहा था कि अगर पति अपनी पत्नी को बहुत मांगने पर भी वो पिन नंबर नहीं देता है इसका मतलब पत्नी सही है, और अगर दे देता है फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है ना, फिर तो सारे इल्जाम हट जाते जो भी पत्नी अपने पति पर लगा रही है। राइट 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 राइट। तो बस आप लोगों को धनलक्ष्मी और नारायण के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देनी है कि पति मजबूर होके पत्नी को अपना मोबाइल का पिन नंबर दे दे। हाँ ठीक है, हम वैसे हम समझ गए थे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और हम क्या करेंगे? हम बुलबुल पांडे को थाने तलब करेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। अपना मिशन करें, तलब 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 थाना तलब। सोचने दो हमें। हाँ हाँ सोचो सोचो सोचो, हम लीडर हैं। हाँ मानते हैं, जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ आप जैसा करेंगे वैसे ही होगा। चलो चलो चलो। हाँ ये कर लिया फिर। क्या बोरिंग फिल्म थी यार। अच्छा तो चलो फिर शॉपिंग चलते। नहीं फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे प्लीज ना, चलो ना मजा आएगा। अरे यार अभी 2 घंटे हमने फिल्म देखी, अब 2 घंटे की शॉपिंग करेंगे, चलते चलते थक जाऊंगा ना यार। तो यहाँ लग रहे ना हम गुंडे। देखो बदनाम भाई, ये एक पल, अरे कौन आज में सब बिंदी पहनता है? निकालना पड़ेगा आपको। निशान निशान लल्ला के पप्पा है ये, लड़का लगना है आपको। लल्ला के पप्पा क्या करेंगे? ठीक है लल्ला के पप्पा, अब कोई एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारेगा। नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 ओके 0। चलो चलो ना। बचाओ 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 बचाओ। चलो मत, हम पुष्पा सिंह हैं। हमें चुप रहो। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ ये मास्क पहन के इतना बड़ा चाकू लेके क्या मनोहर अगरबत्ती बेचने आए हैं? लूटने आए हैं तुम लोगों को, माल निकालो चलो। नहीं नहीं मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं दे रहा हूँ सब दे रहा हूँ। ये लो ये लो ये क्या कर? सॉरी नंबर 1 आ गया। यस हमारा नंबर 1 बोला हमने। वही तो है, हम कहाँ नंबर 1 हो? चुप करो बकैती, चुप करो। अरे लड़की मोबाइल ले, एक कॉल कर। नहीं कर सकती। अरे क्यों, बैलेंस नहीं है क्या? ये मेरा फोन नहीं है, इनका फोन है। तो मुझे पिन नहीं पता। क्या? कैसी पत्नी हो? तुमको अपने पति के मोबाइल का पिन नहीं पता? बताओ जल्दी पिन। नहीं बताऊंगा। ऐसे नहीं बताऊंगा। हाँ तो फिर इसके कान में बताओ, जाओ। हम नहीं सुन रहे। इसके कान में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और आप तो मेरी जान ले लीजिए मैडम, चाकू मार दीजिए, मैं तो पिन नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नंबर 1 आ गया। क्या करें? हाँ, ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार है मगर पिन नहीं बता रहे मोबाइल का। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। इसे थाने लेकर चलते हैं। हमें ये क्या, इसका पप्पा भी बताएगा किस फिराक में ये लगा। यस, मास्क लगाइए। चलो। हाँ बताइए बताइए, सुन रहे हैं। आइला, तूने तो सीरियसली ले लिया रे चटक तन्नी। कर कर। अच्छा। क्या बताया आपने, क्या बताया? इसका आवाज कम करो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। खुल गया। धन्यवाद। इसकी मैया का सासू मैया। अच्छा हुआ पुष्पा जी जब नारायण को किडनैप करके लाई तो हमें उसका फोन दे दिया। अब पता चलेगा क्या चक्कर चल रहा है। अम्मा ये क्या है? कुछ भी नहीं है फोन में। जब कुछ शक करने लायक ही नहीं है तो फिर खाए वो अपना पेन छुपा रहा है। देखा? खाली फोकट इतना टाइम वेस्ट किया। पहले ही बोल रही थी मैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुमने इन लोगों के साथ मिलकर मेरे गले पे चाकू रखवाकर मुझे किडनैप कराने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि मेरे मोबाइल का पिन जान सको। देखिए आपके फोन पे ऐसा कुछ काबिल एतराज निकला नहीं जो आपको अपनी पत्नी से अपना पिन छुपाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप अपना पिन छुपा रहे हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है और वो ये कि आपकी पत्नी जो है वो किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है और आपको डर है कि अगर आपकी पत्नी ने आपका फोन इस्तेमाल कर लिया तो आपका फोन गैर कानूनी चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए आप ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी बीवी को यहाँ छोड़ के जाइए। उनसे हमें वार्तालाप करनी है, उनसे हमें सच उगलवाना है। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? ये धनु एक सीधी सादी नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, इसका किसी इलीगल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। शी इज इनोसेंट। तो फिर आप पिन क्यों छुपा रहे हैं? अब हमें जो इसमें दिखा है अब वो हम आपकी पत्नी को बताएं या फिर आप? मैडम आप हवा में फायर कर रही हैं ना, मैं इन पुलिस वालों के ट्रिक्स बहुत अच्छे से जानता हूँ। 1 मिनट, चाय बताइए ना। देखिए हमें भी नहीं पता कहाँ है, कुछ नहीं निकला, लेकिन हमें नाटक करना है कि हमें सब कुछ पता है। नाटक करना है? ये क्या देख रहे हैं हम जिसे अब तक अच्छा संस्कारी आदर्श लड़का समझ रहे थे वो ऐसा निकला। देखिए ऐसा है कि आपके पति जो है ना वो ये मैं बताता हूँ। अब देखो अन्नू तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा लेकिन मैं तुम्हें अपने मोबाइल का पिन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि इसे शॉपिंग का बहुत शौक है। ऑनलाइन शॉपिंग करती है और पेमेंट कार्ड से करती है। कार्ड का ओटीपी आता है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे और फिर जो मोबाइल पे बिल आता है ना उसको देखकर मेरे बजट पर ग्रेनेड से भी भयंकर धमाके होते हैं मैडम। इसीलिए मैं अपनी मोबाइल का पिन इससे छुपा कर रखता हूँ। देखिए मैडम, मुझे धनु के खर्च करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इसकी फिजूल खर्ची से प्रॉब्लम है। वक्त का क्या भरोसा मैडम, कल को क्या रंग दिखा दे। इसलिए आप ही बताइए क्या हमें थोड़ी बहुत सेविंग्स करके अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार नहीं रखना चाहिए? सुना क्या, तेरा पति एक नंबर बराबर बात बोल रहा है। देख डार्लिंग, पैसा होता ही है खर्च करने के लिए, पर कमाए हुए से ज्यादा वैल्यू होता है बचाए हुए पैसे का। अभी क्या है ना, बैड लक नॉक करके तो आएगा नहीं, कभी भी किधर से भी टपक पड़ेगा, समझी क्या? मंजे बोलने का मेरा मतलब ऐसा है कि अभी मेरी रेकड़ी का समझ लेना तू। मेरी वड़ा पाव की रेकड़ी एक मस्त बारिश गिरी, सब कुछ बहा के ले गई, सारा धंधा 1 मिनट में खल्लास। तब क्या काम आया? पाई बचा के जो मैंने घर पे खोली में रखा था ना पैसा, वही काम आया। तो मैं बोल नहीं, सच ये नहीं है। पत्नी के फिजूल खर्चे की वजह से पिन छुपाना नहीं है, बात कुछ और है। आपके पति देव आपसे कुछ और भी छुपा रहे थे। दरअसल बात यह है कि अरे धनु इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैडम इसे फ़ोन ले लीजिए ना। देखिए मैंने आपसे बोला ना कोई बात नहीं है, इसका बस हाथ थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है पैसों के मामले में, बाकी कोई बात नहीं। मैंने आपको सब क्लियर कर दिया मैडम, इसको मत देखने दीजिए प्लीज़ फ़ोन। मैडम देखो नारायण, तुम एक गलती कर चुके हो एक सच छुपाकर, अब दोबारा ये गलती मत दोहराओ। ये सच तुम्हारी पत्नी को पता होना बहुत जरूरी है, ये उसका अधिकार है। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा हर सच पता होना चाहिए। ये सब? जी, यही पूरा सच है। बात सिर्फ तुम्हारे फिजूल खर्चे की नहीं थी, बात ये है कि वो बहुत परेशान है। उनको बैंक का स्ट्रेस है, अपने काम का वर्कलोड है, उनको स्टॉक मार्केट में लॉस है, उसका स्ट्रेस है, हर चीज का भार उठा रहे हैं। इसलिए तुमसे अपना पिन छुपा रहे थे ताकि तुम इनका सच ना जान जाओ, इनका सच जान के तुम परेशान ना हो जाओ। मुझे माफ कर दो धनु, तुम्हारी तबीयत तो पहले से ही बहुत नाजुक थी, तमाम दवाइयां चल रही थी। मैं नहीं चाहता था कि इन हालात में तुम्हें मेरी दिक्कतों का पता चले, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ धनु। यही तो प्रॉब्लम है तुम पति लोगों का, ये समझ में नहीं आता है कि पति पत्नी का चूल्हा सांझा होता है। अगर एक को आग लगती है तो दूसरा उसकी आंच से नहीं बच सकता है। ईश्वर ने पति पत्नी को भेजा ही इसलिए है ताकि वो एक दूसरे का भार उठा सके, एक दूसरे की दुख तकलीफ में एक दूसरे को सहारा दे सके। आपको अपना तकलीफ इनको बता देना चाहिए था। आपका तकलीफ पड़ता नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो इतना भार है ना वो थोड़ा कम हो जाता। मुझे माफ कर दो, I'm so sorry। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे आज के बाद अपनी कोई भी परेशानी नहीं छुपाओगे। I love you नारायण। I love you too धनु। Thank you so much मैडम, आपने हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व की। Mention not। वैसे आपकी भाषा सुनकर याद आया कि धनलक्ष्मी भी महाराष्ट्र से है। हो का तू पण मराठी हो। तुमचे खूप खूप आभार मैडम, मी तुमची शिकवण नेहमी लक्षात ठेवेन। मराठी। अरे जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। आप लोगों ने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए ये तो बनता है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं डीएसपी सर को वो नाम देने के लिए जिसे उन्होंने फोर्स से निकालना है, नहीं तो अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और पुष्पा जी, करिश्मा सिंह और चीता चतुर्वेदी किसी की भी नौकरी जा सकती है। हर कोशिश करके देख चुके हैं हम कि किसी तरीके से खुद को गैर जिम्मेदार, बेईमान और नॉन डिजर्विंग ऑफिसर प्रूव कर सके, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। अब क्या करें, कैसे करें? एक मिनट, इनसबॉर्डिनेशन, सीनियर की बेइज्जती, रैंक का डिसरिस्पेक्ट। अभी डीएसपी साहब को फोन लगाते हैं, अब जो भी होगा ससुरा डीएसपी साहब के सामने ही होगा। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप तो जानते ही होंगे कि जानकीपुरम के एसएचओ बुलबुल पांडे, उनकी वाइफ यहाँ आई थी उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन लिखाने, लेकिन बुलबुल पांडे इस मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सर। उनका कहना है कि वो जो कुछ भी कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपसे कहेंगे। अरे हम सब जानते हैं, बस हम थाने पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में हैं। ठीक है, जय हिंद। ठीक है सर, जय हिंद। मैडम ये लीजिए जेएमसी हॉस्पिटल वाला फाइल। बिहार घाट का फाइल मांगा था। खोलिए खोलिए खोलिए। आ गया है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे ये टिल्लू यहाँ पर क्या कर रहा है? बिल्लू। हाँ हाँ ठीक है, बिल्लू। बिल्लू यहाँ पे क्या कर रहा है? सर फाइल देने आया था। फाइल लीजिए। हमने कब फाइल मांगी थी? हमने मांगी थी। अरे हमारी समझ में ये जय हिंद, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हसीना मलिक जी हमें अवॉइड करके, मतलब नजरअंदाज करके क्यों चली गई? सर, सर भगवान का शुक्र है कि आप हमको मिल गए। ये जो हमारे पति है ना, ये हमको मानसिक यातना दे रहे हैं। अब आप ही हमको इनसे बचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। सर ऐसा कोई बात नहीं है, उनका गलतफहमी हो गया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सर। देखिए आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। आप जानती हैं यहाँ की मुखिया कौन है, यहाँ की थाना अध्यक्ष कौन है? हसीना मलिक जी। उनसे आप अपना मामला बताइए, वो आपको सही न्याय दिलवाएंगी। हाँ। कुछ भी नहीं कर रही हसीना मलिक। सबको लगता है कि बहुत ही न्यायप्रिय अफसर हैं। हम जैसे मासूमों का, अबलाओं का, मजलूमों का मदद करती हैं, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करती। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हाँ सर, वो एकदम सही कह रही है। देखिए सर, हसीना मलिक है ना, वो पहले वाली हसीना मलिक नहीं रही है। टोटल एकदम फुलटू फटंग चेंज हो गई है सर। आपको कैसे पता? सर हमको पता है, हम खुद देखे हैं अपना इन्हीं आंखों से। सुबह से पीछा कर रहे सर उनका। हमरी नजर है उनपे। देखा सर देखा, खुद ही अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि खुद उसका पीछा करते हैं इस औरत का। अरे नजर मतलब वैसा नजर नहीं है। पल्लो हमारे बात तो सुनो तुम। छोड़ा हमको, छोड़ा। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बुलबुल पांडे, आप क्या कह रहे थे कि आप हमारा पीछा करते हैं, हम पर नजर रखे हुए हैं, आपकी नियत खराब है हमारे लिए? हाँ है। अरे नहीं सर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नियत तो इनका खराब है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा होने का दिखावा करती है। बिल्कुल ही बेईमान, भ्रष्ट और घूसखोर पुलिस अफसर है सर।